तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि 27 फरवरी को ऑफिशियली इंडिया में मे ऑफ फोर्टी यहाँ लॉन्च होने वाला है, और जैसा कि आज 27 फरवरी को आज ऑफिशियली इंडिया में मे ऑफ फोर्टी लॉन्च हो चुका है, और जैसा कि मैंने ये भी आप लोगों से कहा था कि जब मे ऑफ फोर्टी लॉन्च होगा तो एक बार फिर से आप लोगों का काटा जाएगा, और वैसा ही दोस्तों यहाँ पर देखने को मिला है। तो मे ऑफ फोर्टी दोस्तों यहाँ पर जो लॉन्च इंडिया में देखने को मिला है वो तकरीबन 22 मिनट की लॉन्च हमें देखने को मिला है उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों पूरे वीडियो में, पूरे लॉन्च इवेंट में मे ऑफ फोर्टीन के लिए ज़रा सा बात किया गया, जो मे ऑफ फोर्टीन में फीचर्स देखने को मिले, जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिले उसमें आप लोगों को ज़रा सा माइनर सा बात किया गया है, और यहाँ पर डिवाइस लिस्ट देखने को मिल गया कि कौन कौन से डिवाइसेस को किस तरह अपडेट देखने को मिलने वाला है। तो उसी के बारे में आप लोगों को बात करूंगा कि मे ऑफ फोर्टीन की अपडेट किन डिवाइसेस को किस तरह देखने को मिलने वाला है, शाओमी की, रेडमी की, और पोको की दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर। तो पोको के लिए आप लोगों को लिस्ट जो है अलग से देखने को मिलेगा, पर मैं यहाँ पर कुछ मेंशन कर दूंगा आप लोगों का, उसके लिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो शाओमी की, रेडमी की डिवाइसेस के लिस्ट यहाँ देखने को मिल जाता है, किस तरह से अपडेट मिलेगा, पोको के लिए लास्ट में बने रहिए। और फीचर्स वगैरह उससे बात करते हैं यहाँ पर, तो ज़्यादा कुछ फीचर्स के बारे में आप बताया नहीं गया, उससे ज़्यादा फीचर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि मे ऑफ 14 की अपडेट के बाद से इंडिया में दोस्तों क्या क्या फीचर्स देखने को मिला, उस सब के बारे में मैंने एक वीडियो डिटेल से बनाया हुआ मे ऑफ 14 की अपडेट के बाद से इंडिया में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मेनली जो फोकस किया गया दोस्तों लॉन्च में जो बताया गया है कि जो रैम मैनेजमेंट है उसमें यहाँ पर काम किया गया है, जो स्टोरेज है हमारे उसमें यहाँ पर काम किया गया, पहले जो सिस्टम था मे ऑफ 14 में जो सिस्टम में यहाँ पे ऑक्यूपाई करता था उससे तकरीबन आप लोगों को 4 GB कम अब आप लोगों को सिस्टम जो है स्टोरेज वो यहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छी यहाँ पर स्टोरेज की सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह के कुछ बात लॉन्च इवेंट में देखने को मिला है। इंप्रूवमेंट के लिए बात किया गया है कि आपका जो मे ऑफ 14 है वो पहले से लाइटर, स्मूथर हो गया, फास्टर हो गया, आपकी जो बोटिंग स्पीड है वो यहाँ पर इम्प्रूव हो चुका है। इस तरह कुछ डिस्कशन आप लोगों को देखने को मिला है लॉन्च इवेंट में। और गैलरी में जो हमें एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलता है, कॉपी टेक्स्ट कर लेते दोस्तों उस तरह कुछ फीचर्स को बताया गया है, रिमूव पीपल को कर सकते हैं आप लोग वो बताया गया है। तो जो भी फीचर्स के बारे में दोस्तों यहाँ पर डिस्कस किया गया आज मे ऑफ 14 की इंडिया के बारे में, उसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, अगर आप लोग उसके पहले वीडियो को चेकआउट करेंगे तो आप लोगों को सारी डिटेल्स इंडिया में जो मे ऑफ 14 का अपडेट मिला उसके बारे में आप लोग जान पाएंगे। और दोस्तों जो फीचर्स हमें इंडिया में देखने को नहीं मिला उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, तो एक बार वीडियो लिस्ट को चेक कर लिया। अब दोस्तों बात करते हैं कि मे ऑफ 14 की अपडेट किस तरह से हमें देखने को मिलने वाला है और कौन कौन से डिवाइस को यहाँ पर सपोर्ट करने वाला है। तो जैसा दोस्तों यहाँ पर जो डिवाइस लिस्ट देखने को मिला वो हमें 3 बैचेस में देखने को मिला, जो अपडेट मिला है वो 3 बैचेस में देखने को मिला है, Q1, Q2 और Q3। Q1, Q2, Q3 क्या होता है दोस्तों, ये आपके स्क्रीन पे यहाँ फ्लैश हो रहा है वो आप देख लीजिएगा। तो Q1 में जो डिवाइसेस आपको देखने को मिलते हैं, जो फर्स्ट बैच के जो डिवाइसेस हमें देखने को मिलता है दोस्तों, उसमें Xiaomi 12 Pro जो जिस फोन से ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है दोस्तों, Xiaomi 12 Pro देखने को मिलता है, उसमें ऑलरेडी हमें जो बीटा है, जो बीटा टेस्टर थे उनको पहले ही अपडेट मे ऑफ 14.0.1.0 अपडेट देखने को मिल गया है। इसके अलावा दोस्तों Xiaomi 13 Pro जो कल 28 फरवरी को इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च होगा दोस्तों, उसमें आप लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स मे ऑफ 14 देखने को मिला है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी नए डिवाइसेस देखने को मिला था, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro Plus 5G, Mi 11 Ultra, Mi 11 X Pro 5G, Mi 11 T। और दोस्तों आप लोग एक कमेंट भी कर देना कि Mi 11 को भूल गया Xiaomi वाले ने, तो Mi 11 की डिवाइस भी जो है हमें फर्स्ट बैच में देखने को मिल जाता है। तो इस तरह आप लोग काफी सारे लिस्ट फर्स्ट बैच में देखने को मिल जाता है। सेकंड बैच की दोस्तों बात करें यहाँ पर Q2 में देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर काफी सारे डिवाइसेस देखने को मिल जाता है, वीडियो को पॉज करिए आप लोग सभी लिस्ट को चेक कर सकते हैं। और Q3 की दोस्तों बात करें यहाँ पर तो कुछ डिवाइसेस यहाँ पर आपको और भी देखने को मिल जाते हैं, पर दोस्तों यहाँ पर Redmi Note 10 Pro और Note 10 Pro Max का नाम देखने को नहीं मिलता, उस डिवाइस को भी आप लोग को अपडेट देखने को मिलेगा मे ऑफ 14 का। तो यहाँ पर कुछ डिवाइस की लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिला, बाकी कुछ जो डिवाइसेस सपोर्टेड है जिनको अपडेट देखने को लिस्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, वो लिस्ट भी आप लोगों को बाद में अपडेट हो जाएगा उनके सिस्टम पर, या फिर दोस्तों जैसे लिस्ट अपडेट होगा मैं आप लोगों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपडेट कर दूंगा, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर या फिर यूट्यूब के कम्युनिटी पेज पर, तो आप लोग वहाँ पर मुझे फॉलो किया करिएगा, वहाँ पर भी आप लोगों को अपडेट न्यूज देखने को मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों, पोको की बात कर लेते हैं, तो पोको के लिए यहाँ कोई ऑफिशियल लॉन्च देखने को नहीं मिला, पर जल्दी वहाँ भी देखने को मिल जाएगा। तो पोको X3 और उसके बाद से जो भी लेटेस्ट डिवाइसेस है उनमें हमें मे ऑफ 14 का अपडेट देखने को मिलेगा। पोको X3 से पहले जो डिवाइसेस है दोस्तों उनमें कम चांसेस है आप लोगों को मे ऑफ 14 का अपडेट देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसी तरह Q1, Q2, Q3 में जो लिस्ट आप लोगों को पोको के लिए भी देखने को मिल जाएगा, तो उसकी भी लिस्ट जब आएगी उसकी भी अपडेट मैं आप लोगों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपडेट कर दूंगा, तो वहां भी मुझे आप लोग फॉलो कर लीजिए। बाकी जैसे फीचर्स वगैरह की बात कर लेते हैं, तो इंडिया में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है और ना ही देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों मैं तो यहाँ पर MIUI की जो मॉडल रोम है या Xiaomi Note EU रोम उसी यूज़ करता हूँ, उसमें आप लोग काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, तो मैं तो अपने फ़ोन में वही यूज़ करता हूँ। और अभी भी आप लोगों को मिल इसमें मैं उसी रोम को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, MIUI SR की इंटरनेटिव जो वर्सन है उसे अपने फ़ोन में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, और काफ़ी अच्छी तरीके से मेरे फ़ोन में यहाँ पर काम करता हुआ दिख जाता है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर MIUI 14
डिवाइस मी 11x।